एक दिन मैं बैठा था और एसपीजी के चीफ आए और मुझे कहते हैं, सिक्योरिटी की बात हो रही थी, तो पता नहीं मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने उनसे कहा तुम इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आए, मैंने उनको ड्रोन दिखाया, छोटा सा, आपने शादी में देखा होगा, देखा है? मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये देखो, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? ये काफी डेंजरस चीज है, इस पे कोई बम भी लगा सकता है। मैंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। 10-15 दिन बाद मैंने अखबार खोला, पूरे हिंदुस्तान में ड्रोन्स बैन कर दिए गए। आप समझे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब एक व्यक्ति ने पूरी इंडस्ट्री की इंडस्ट्री उड़ा दी, खत्म कर दी। और वो मतलब इनोवेशन की मेन मतलब इंडस्ट्री है दुनिया में, तो इनोवेशन को हिंदुस्तान में ऐसे मारा जाता है। एक कोई कानून बना देता है ब्यूरोक्रेट भैया की सिक्योरिटी रिस्क है, ड्रोन को खत्म करो, और पूरी इंडस्ट्री गई, लाखों रोजगार गए, आपको पता भी नहीं लगा। तो ये हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा सिस्टम इनोवेशन को मारने का सिस्टम है। आप लोग नहीं मारते हो, ब्यूरोक्रेसी मारती है, होम मिनिस्ट्री मारती है, अलग 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 बहाने हैं, मगर हर रोज इस देश में इनोवेशन को काटा जाता है, खत्म किया जाता है। और ये आपकी भी फ्रस्ट्रेशन है, आपको भी लगता है, आप अगर कुछ नया करने की कोशिश करो 50 लोग आपको पकड़ के पीछे खींचेंगे, नहीं, मगर आप लोग तब भी करते रहते हो, लगे रहते हो, मुश्किल है, बट ये आपकी स्पिरिट है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसको आप शायद रिकग्नाइज नहीं करते हो, मगर ये आपकी स्ट्रेंथ है और गुजरात की स्ट्रेंथ है। नमस्कार। Partially, sir, you have already answered what I am supposed to ask you, but still, I believe education and health are two pillars of development of any country. In recent years, quality of education is deteriorating to a very great extent. There is a great need of administrative support to education system. So if we really aspire for bright future of our country, how would you like to address this problem of education? इसमें अगर आप फिलोसॉफिकली बात करें, दो सिस्टम्स को मर्ज करने का काम है। वेस्टर्न सिस्टम में बहुत सारे फायदे हैं, और जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, गुरु शिष्य का सिस्टम, उसमें भी फायदे हैं। तो इन दोनों को, इन दोनों की जो क्वालिटीज हैं, मॉडर्न हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। तो ये हायर लेवल पे बात की मैंने, मगर मेन चीज ये है कि सरकार का पैसा एजुकेशन और हेल्थ केयर में इफेक्टिवली जाए और बड़ी क्वांटिटी में जाए। ये इसके बिना मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हमारा कंपेटिटर क्या कर रहा है। मुझे टेंशन उससे आती है। अभी मैं यूएस गया, फ्लाइट पे वहां पे 2-3 बच्चे बैठे थे, मेरी मां के देश के थे। मैंने उनसे बातचीत शुरू की,
20-22 साल के, मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है, मुझे कहते हैं वी वर इन चाइना। ऐसे तुम लोग चाइना में कैसे, व्हाई वर यू इन चाइना? दैट द चाइनीज गवर्नमेंट हैज अ प्रोग्राम दैट यूरोपियन चिल्ड्रन कैन गो टू चाइना एंड टीच इंग्लिश, टीच इटालियन, टीच जर्मन, टीच फ्रेंच। ऐसे कहां थे तुम, वेयर वर यू? वी वर इन अ विलेज इन चाइना। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर? वी स्टेड देयर 6 months। तो आप समझिए, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका जो मैसेज है। मैंने उनसे पूछा, बच्चों से पूछा, डिड यू लाइक चाइना? मैंने सोचा थोड़ी इंडिया की प्रोपोगंडा कर देता हूं कि इंडिया भी जाओ। डिड यू लाइक चाइना? यस। वॉज इट गुड? यस। डिड यू लर्न? यस। तो हमें अपना माइंडसेट क्लियर बनाना है। कंपटीशन उनके साथ है, अगले 10, 15, 20, 30 साल में सीधी बात है, या इंडिया है या चाइना है। एजुकेशन में भी हमें देश को बाकी दुनिया से जोड़ना है। उनकी बड़ी डिसएडवांटेज थी इंग्लिश की, उसको मिटा रहे हैं वो। हमारी बड़ी एडवांटेज थी, मिट रही है। तो दैट इज, इट इज इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट गिविंग यू अ पॉलिटिकल डिस्कशन बिकॉज आई थिंक इट विल बी डिसरिस्पेक्टफुल टू यू टू गिव अ पॉलिटिकल डिस्कशन। आई एम ट्राइंग टू गिव यू a विजनरी डिस्कशन फॉर इंडिया बिकॉज दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड। वी विल हैव प्लीज प्लीज, ही इज द मॉडरेटर, सो वी विल हैव टेक, वी विल हैव वन मोर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम भविष्या परमार। She is small business entrepreneur. Let this question be over, then we will take. Yes, sir. आप यहां आ जाइए, बाद में पूरा मुझसे डिस्कशन कर लीजिए। आपको स्पेशल, आपका स्पेशल डिस्कशन कर देते हैं। ओके, लेटर आज देन यू आज। ओके, yes, I will do that. Let the lady speak and then we'll come to you. I will tell you just before I go what my father taught me. Ek madam ko bol rahi hai. Good evening sir, myself Bhavisha aur main financial service ke sath related hu. Mera question aapse yahi hai jo general tha, taxes related. सर काफी बार ऐसा होता है कि पीपल्स आर पेइंग मोर टैक्सेस देन द चार्जेस, तो इट्स सो टफ फॉर अस टू एक्सप्लेन देम कि दिस इज द चार्जेस एंड दिस इज द टैक्सेस, सो इट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द माय बिजनेस एंड ऑल दिस पीपल्स आर अफेक्टिंग लॉट्स। सो सर टैक्सेस इज वेरी बिग क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ अस एंड यूथ जनरेशंस एजुकेशंस एज वेल एज दिस टैक्सेस एंड जॉब्स आर इट्स सो I think it's so big questions for the next generations and the nations of our nations and the future of India. Okay, thank you. See, हर स्टेट में, जैसे हिंदुस्तान में हर स्टेट की स्ट्रेंथ होती है। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मगर उत्तर प्रदेश की स्ट्रेंथ है, बिहार की स्ट्रेंथ है, सब स्टेट्स की स्ट्रेंथ है, और गुजरात की बड़ी यूनिक स्ट्रेंथ है, जो मेरा मतलब 10-15 साल का अनुभव है। जो मैंने इनोवेशन की बात की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, वो गुजरात की स्ट्रेंथ है। ये आपका कैरेक्टर है, ये आपका डीएनए है, और पूरा देश गुजरात से ये सीख सकता है। पूरा देश गुजरात से इनोवेशन सीख सकता है और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए, उसको वर्ल्ड लीडर कैसे बनाया जाए, उसको बाकी दुनिया में कैसे भेजा जाए, वो सीख सकता है। तो ये आपके पास एक प्रकार से आईपी कहते हैं इसको मॉडर्न वर्ल्ड में, ये आपके पास आईपी है और हिंदुस्तान को इस आईपी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये मेरी माइंड में ये है। तो अगर मैं आपके बारे में सोचता हूं तो मैं इस प्रकार से सोचता हूं कि
जो गुजरात के स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो पूरी दुनिया में हैं, अमेरिका में हैं, एंटवर्प में हैं, उनको हम और स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हैं? हाँ आप बताइए भाई। नहीं वो हाँ राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर कांग्रेस जैसी फुल फ्लेज पार्टी कोई नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और भारतीय जनता पार्टी जैसी स्मॉल पार्टी कोई नहीं है। भाजपा ने खुद अपने बीजेपी बेबी जैसी बेबी जेटली पार्टी और बेबी जैसी पार्टी, तो बेबी जैसी पार्टी तो छोटी होती ना, वो तो छोटी पार्टी है। कांग्रेस फुल फ्लेज पार्टी है और जीएसटी का विरोध गुजरात ने सबसे पहले किया है, क्योंकि गुजरात में सबसे बड़ा व्यापार भी होता है। और अगर गुजरात में व्यापारी लोगों को नुकसान होगा, वो कभी देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वन थिंग। सेकेंडली जीएसटी, आप पढ़ोगे तो समझ आ जाता है कि गुजरात शुरू से तैयार फॉर द ऑपोजिशन एंड दैट ऑपोजिशन इज राहुल गांधी एंड दैट ही इज नॉट ऑपोजिशन, ही इज अ प्रोपोजिशन अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से तो वो अच्छे से अच्छे प्रोपोजिशन वाले हैं। और आपने आकर जो बात आज की है उसके लिए मैं समझता हूँ, मैं अपने को धन्य भी समझता हूँ। आई हैव नेवर मेट यू, आई वॉन्टेड टू मीट यू बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मीट, टूडे आई हैव मेट यू। सी आई हैव हर्ड यू ऑल्सो। आपने स्मॉल पार्टी बिग पार्टी की बात की जी। देखिए विचारधारा मेरी कांग्रेस की है, विचारधारा मेरी बीजेपी की नहीं है, आरएसएस की नहीं है, अलग विचारधारा है। बट इसमें दोनों पार्टी, चाहे हमें अच्छी नहीं लगे, दोनों पार्टी हिंदुस्तान की थिंकिंग की पार्टी है। ये नहीं कहा जा सकता कि भैया मैं उनके खिलाफ हूं, मैं उनसे लड़ूंगा, मगर वो हिंदुस्तान के लोगों का एक्सप्रेशन है और उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी भी हिंदुस्तान के लोगों का एक्सप्रेशन है और उसकी भी इज्जत करनी पड़ेगी। मैं अपने आप को पार्टी का आदमी नहीं मानता हूं, मैं अपने आप को हिंदुस्तान का जो एक्सप्रेशन है उसको स्ट्रेंथन करने का आदमी मानता हूं। मैं पार्टी में हूं और मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, मगर मैं ये कभी नहीं कह सकता हूं कि मैं देश से बीजेपी को खत्म करना चाहता हूं, मैं नहीं कह सकता हूं। वो कह सकते हैं, नहीं एक सेकंड सुनिए, बात सुनिए, आप बात सुनिए। देखिए मैं आपको अंदर की बात बता देता हूं, मैं जनरली पॉलिटिशियन हूं तो अंदर की बात अंदर रखता हूं मैं, मगर बता देता हूं आपको। देखिए मुझे मेरे फैमिली ने सिखाया है, दादी ने सिखाया है, पिताजी ने सिखाया है, पता नहीं शायद नहीं, मैं सोचता हूं कभी कभी, मैं सोचता हूं कभी कभी, पता नहीं ये गांधी नहीं, मुझे लगता है एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि ये गांधी जी की जो थिंकिंग थी मेरी फैमिली में आई एक्चुअली।
मगर मुझे बताया गया है कि आप अगर किसी से नफरत कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो वो आपकी वीकनेस है, वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो मेरा काम जब मैं मेरे ऊपर कोई मतलब उल्टी सीधी बात बोलता है, मुझसे नफरत करता है, मैं कभी कभी अंदर से कोशिश करता हूं कि मैं भी इसके खिलाफ गुस्सा करूं, कि मैं भी मतलब थोड़ा क्रोध निकालूं, मगर निकलता ही नहीं है। एक्चुअली बात है, मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बताऊं, मैं आपको अपनी फैमिली की बात बताता हूं, मन की बात नहीं, मैं आपको अपनी फैमिली की बात बताता हूं, आप हैरान हो जाओगे शायद। मेरे पिता की हत्या प्रभाकरण ने की, सही, तमिल टाइगर प्रभाकरण ने की। जिस दिन मैंने प्रभाकरण की लाश श्रीलंका के वो समुद्र में देखी, मुझे दुख हुआ, मेरे अंदर दुख हुआ। मैंने फोन उठाया और मैंने प्रियंका को फोन किया और मैंने प्रियंका से कहा, प्रियंका ये बड़ी अजीब बात हुई है कि मैंने अपने पिता के हत्यारे को देखा है, मरा हुआ है, और मुझे अंदर दुख हो रहा है, मैं सच बताऊं मुझे गिल्टी फीलिंग आ रही थी, ये कैसे कर दिया मैंने। और प्रियंका कहती है मुझे भी हो रहा है, मुझे भी दुख हो रहा है, मुझे भी रोने को आ रहा है कि उसको चोट लगी, उसकी हत्या हुई, उसके बच्चों की हत्या हुई। क्योंकि हम क्रोध को समझते हैं, हम दुख को समझते हैं, जब कोई मरता है हम समझते हैं। मेरी दादी को गोली से मारा गया, मेरे पिता को गोली से मारा गया, समझते हैं हम, और हम किसी से गुस्सा नहीं कर सकते, ये हमारा सिस्टम है। अब लोग हमें बेवकूफ कहे, उल्लू कहे, ये अलग बात है, मगर ये हमारा सिस्टम है।